कपड़ों के जो रंग होते हैं वो आपके व्यक्तित्व को चमकाने के साथ साथ आपकी प्रॉस्पेरिटी में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता कि किस रंग के कपड़े कब पहनने चाहिए, किसको पहनने चाहिए। आज इसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि महीने के जन्म के हिसाब से, अगर आपका जन्म जनवरी में हुआ है तो उसके हिसाब से, या फरवरी में, या मार्च में, या किसी भी मंथ में आपका जन्म हुआ है तो अपने महीने के हिसाब से, मतलब डेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर 12 महीने में, किसी भी महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको कौन से रंग के कपड़े लकी होते हैं, ये आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको महीने में बर्थ, आपका जन्म हुआ है, मतलब बर्थ हुआ है जिस महीने में, उस महीने के हिसाब से आप कपड़े पहनना चालू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे चमक रही है, आपके जो पैसे का जो सोर्स है वो आपके पास खिंचा चला आ रहा है, पैसा बहाने मार मार के आपके घर में आ रहा है, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। क्योंकि कलर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपकी पर्सनालिटी और किस्मत को चमकाने में। आज इसी का विवेचन करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत पूरे मन से करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सब्सक्राइबर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जनवरी से स्टार्ट करती हूँ कि जनवरी में पैदा हुए लोगों को कौन से रंग के कपड़े पहनना उनके भाग्य को चमका सकता है। जो लोग किसी भी वर्ष में जनवरी माह में पैदा हुए हैं उनके लिए लकी कलर बताने जा रही हूँ और उनको इन कलर का चयन करके अपने भाग्य को चमकाने में मदद मिलेगी। तो इनको अक्सर ये कलर के कपड़े पहनने चाहिए और वो कलर है डार्क ब्लू, ब्लैक और कत्थई कलर उनके लिए लकी होता है। फरवरी में जो लोग पैदा हुए हैं, किसी भी डेट को, पूरे फरवरी की बात कर रही हूँ, उनके लिए भी ये कलर लकी होते हैं, अर्थात ब्लैक, डार्क ब्लू और कत्थई कलर उन लोगों के लिए भाग्य को चमकाने में सहायक हो सकते हैं। जो लोग मार्च के महीने में पैदा हुए हैं उनके लिए बैंगनी कलर बहुत ही वंडर करता है, उनको अक्सर बैंगनी कलर पहनना चाहिए। इसके अतिरिक्त जामुनी जो कलर होता है, जो बैंगनी कलर से हल्का सा मतलब हल्का होता है, डार्क बैंगनी तो डार्क होता है लेकिन थोड़ा सा लाइट शेड इसको बोल सकते हैं, इसको पहनना भी उनके लिए भाग्यवर्धक साबित हो सकता है। जिनका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है उनके लिए रेड कलर वंडर करता है, उनको लाल रंग अक्सर पहनना चाहिए। हल्के से लेके गहरे तक ये शेड का चयन कर सकते हैं, मतलब हल्का लाल भी पहन सकते हैं, गहरा लाल भी पहन सकते हैं, लेकिन लाल के सभी शेड आपके लिए लकी होते हैं, आपकी किस्मत को चमकाते हैं, आपको धन का रास्ता दिखाते हैं। इसी प्रकार से अप्रैल में पैदा हुए लोगों के लिए पिंक कलर भी लकी रहता है, वो डार्क पिंक भी पहन सकते हैं, लाइट पिंक भी पहन सकते हैं, लेकिन पिंक कलर और रेड कलर उनके लिए भाग्य को चमकाने वाले साबित हो सकते हैं। जो मई माह में पैदा हुए हैं या जिनका जन्म मई मंथ में हुआ है उनके लिए ब्लू कलर के सारे शेड लकी होते हैं, हल्के से लेके गहरे तक। जो लोग जून माह में पैदा हुए हैं उनके लिए चमकदार कपड़ा अच्छा रहता है, जैसे चमकदार कपड़े के डिफरेंट शेड होते हैं तो चमकीला जो रंग होता है उनके लिए लकी होता है। जिनका जन्म जुलाई मंथ में हुआ है उनके लिए सफ़ेद शेड बहुत अच्छा रहता है, लकी होता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन के सभी शेड या हल्का हरा रंग लकी होता है और क्रीम शेड भी उनके लिए लकी होता है या ऑफ वाइट कलर भी लकी होता है। जिनका जन्म अगस्त में हुआ है उनके लिए गोल्डन कलर बहुत लकी होता है और भाग्य को चमकाने में सहायक हो सकता है, उनकी तरक्की हो सकती है ये कलर पहनने से। गोल्डन येलो कलर भी उनके लिए लकी होता है और ऑरेंज या नारंगी कलर भी शुभ होता है। जो लोग सितंबर माह में पैदा हुए हैं उनके लिए चमकीले रंग वंडर कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी को चमका सकते हैं। जो लोग अक्टूबर माह में पैदा हुए हैं उनके लिए ब्लू के सभी शेड लकी होते हैं और उनके भाग्य को चमकाने में सहायता करते हैं। जो लोग नवंबर माह में पैदा हुए हैं उनके लिए रेड कलर वंडर करता है, रेड कलर सुपर लकी रहता है उनके लिए, तो रेड कलर उनको पहनने चाहिए।
जो लोग दिसंबर माह की पैदाइश हैं या दिसंबर माह में जन्म हैं, उनके लिए बैंगनी के सभी शेड बहुत लकी रहते हैं, वो जामुनी कलर भी पहन सकते हैं। तो ये जो कलर की जानकारी मैंने दी है, ये बेडशीट के रूप में आप काम में ले सकते हैं, उस रंग का रुमाल ले सकते हैं, मोजे ले सकते हैं, पर्स ले सकते हैं, बैग्स ले सकते हैं, थैला ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, कर्टेन ले सकते हैं। सारी एक्सेसरीज़ में इन रंगों का प्रयोग करें तो आपको बहुत जीवन में तरक्की मिलेगी और चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। इस रंग के पिलो कवर भी आप लगाते हैं जो आपके लकी कलर हैं मंथ के हिसाब से, तो भी आपकी किस्मत बड़ी ज़ोरों से शाइन मारती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सुखद बदलाव आता है और आपकी तरक्की होने लगती है और धन प्राप्ति भी आपको होने लगती है। तो आज का वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना है। ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो और सबका भला आपके द्वारा हो सके, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और सब आपके ज़रिए मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो सके। तो इसलिए ऐसा काम अवश्य ही करना चाहिए, यथार्थ शेयर अवश्य करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ और कितनी तरक्की आपकी हुई और कितना धन का सैलाब आपके जीवन में आया। तो आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और लाइक आप करते हैं तो मेरा मोटिवेशन स्ट्रांग होता है और मुझे अच्छा लगता है। मेरे YouTube पर अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं जो 4000 की संख्या में है। इनको देखने के लिए बस आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराने में सक्षम होते हैं। ये विभिन्न विषयों पे बने हुए वीडियो हैं जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए और मेरे वीडियो का आनंद लीजिए और मेरे वीडियो से लाभान्वित भी होइए। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करना पड़ता है। हमें 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, आप हमारे इस अनुभव का लाभ उठाइए और जीवन में सुख की अनुभूति कीजिए, क्योंकि ये जो परामर्श है ये आपके बहुत काम आ सकता है और इसके चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करना पड़ता है। आप मेरे हस्बैंड से भी हीलिंग करवा सकते हैं, मेरे हस्बैंड हीलर हैं जो रेकी हीलिंग करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं और लामा फेरा करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग होती है जो आपके जीवन में और अपने घर में आपके घर में व्याप्त नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो अवश्य ही परामर्श लीजिए, और इसका जो प्रोसीजर है मतलब मेरे हस्बैंड से परामर्श लेने का प्रोसीजर भी सेम ही है, इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है और पूरा प्रोसीजर जानना पड़ता है। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो तुरंत संपर्क करिए और परामर्श लेने की प्रक्रिया को फॉलो करिए। मैं जन्मपत्री देखती हूँ, मतलब जन्मपत्री बनाकर भेजती नहीं हूँ लेकिन देखती हूँ जन्मपत्री और उसके थ्रू आपको परामर्श देती हूँ। इसके लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जानने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको भेजना पड़ता है और मैं लैपटॉप से जन्मपत्री बना लेती हूँ। लेकिन आपको बना के नहीं भेजूँगी, मैं उसकी स्टडी करूँगी और उसमें जो व्याप्त कमियाँ हैं उनको देखूँगी। और आपने जो क्वेश्चन किए हैं, 1000 रुपये में आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत सस्ता ऑफ़र है, इतना सस्ता ऑफ़र मैंने कभी भी नहीं दिया। तो 1000 रुपये में आप 2 सवालों के जवाब मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।